ओम नमः शिवाय। तंत्र के रचयिता भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। मैंने लाखों मंत्र दिए हैं और जितने मंत्र मैंने दिए हैं वो सटीक काम करते हैं। अभी जो डिमांड हो रही है वो ऐसे मंत्रों की हो रही है कि गुरुजी कुछ ऐसे मंत्र दीजिए जो कि खिलाने पिलाने के लिए हों। बस हम किसी भी चीज़ पे अभिमंत्रित करते हैं और उनको खाने पीने को दे दें जिससे कि उनका सटीक वशीकरण हो जाए, वो हमारे वश में हो जाए। तो इसके लिए आपको आज एक ऐसा मंत्र मैं दूंगा जिससे कि आप किसी को भी अपने वशीभूत कर सकते हैं सिर्फ एक नमक की डली से। जी हाँ, इस मंत्र को नमक के ऊपर अभिमंत्रित करना होता है। और ये जो मंत्र है इसको 1008 की संख्या में जपना होता है। कोई भी नमक लीजिए, जो पहाड़ी नमक होता है जिसको हम सेंधा नमक भी कहते हैं, तो बहुतायत में मिल जाता है, आपको कहीं भी बाज़ार से ले सकते हैं, पिंक सॉल्ट जिसे कहते हैं, उस नमक की एक डली लीजिएगा। और ये जो मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ इसकी 1008 की संख्या में गुरुवार के दिन, सिर्फ एक दिन आपको जो है ये मंत्र पढ़ देना है, इसमें इन्फ्यूज़ कर देना है। गुरुवार के दिन किसी भी समय जब आप इस प्रयोग को कर पाए उस समय पर आपको एक सेंधा नमक जो होता है, पिंक सॉल्ट जिसे कहते हैं, उस पर जो है आप उसको अपनी हथेली पे रखिए और इस मंत्र को 1008 की संख्या में जपना शुरू कर दीजिए। इसके बाद जो है इस नमक की डली को किसी भी खाने की चीज़ में दे दीजिए, चाहे तो आप इसको सब्जी में डालिए, चाहे तो इसका पाउडर बनाएंगे, कुछ भी करके ये जो नमक की डली आपने बनाई है ये अपने साध्य को खिला देनी है। ऐसा करने से चिरकाल के लिए वो जो भी होगा वो आपसे वशीभूत हो जाएगा। बहुत ही पावरफुल, बहुत ही सटीक लगने वाला ये गुप्त प्रयोग है जो कि हर कोई कर सकता है। और जो मंत्र है वो भी बड़ा ही सरल है। इसको एक बार कर दिया तो समझिएगा कि जन्म जन्मांतर तक जो सामने वाला व्यक्ति है वो आपके प्यार में बावरा हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन मंत्र जो कि आप किसी को भी खाने पीने की चीज़ में मिलाकर दे सकते हैं। इसका जो दिन रहेगा वो रहेगा गुरुवार और दिशा रहेगी पूर्व की ओर। आसन रहेगा लाल रंग का, कोई भी ऊनी या फिर सूती आसन आप ले सकते हैं। और जो दिशा रहेगी पूर्व रहेगी, जहाँ से सूरज निकलता है उस तरफ मुख करके बैठ जाएं और एक पिंक सॉल्ट की सेंधा नमक की डली अपने हाथ में लें और इस मंत्र का गुम्फन शुरू कर दें, उच्चारण शुरू कर दें। जब 1008 की संख्या हो जाए तब आप इस नमक को पीस लीजिए या फिर बिना पीसे भी अगर किसी भी साध्य को खिला देते हैं तो सामने वाला आपसे वशीभूत हो जाता है। ये स्त्री पुरुष दोनों पर काम करता है, आप किसी पर भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि जब आप ये करें, प्रोसेस शुरू करें, उस दिन आपको सात्विक रहना है। उससे पहले, उसके बाद, एक हफ्ते तक या एक महीने तक आपको सात्विक रहना है। किसी भी तरह का मादक पदार्थ इस्तेमाल नहीं करना है, कोई भी बीड़ी, गुटखा, सिगरेट, इन सब से दूर रहें और फिर जो है ये साधना करें। और मेरा यकीन मानिए, एक महीने के भीतर भीतर आपको इसका चमत्कार दिख जाएगा। जो जैसी भावना लेकर इस मंत्र को करेगा, ये मंत्र अपना प्रभाव उसी प्रकार दिखाएगा। तो यदि आपको एक हफ्ते में असर ना दिखे तो चिंतित ना होइए, आपको दो हफ्ते में दिख जाएगा। अगर दो हफ्ते में असर ना दिखे तो तीन हफ्ते में दिख जाएगा। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि पहले ही दिन से असर दिखना शुरू हो जाता है। तो बहुत से केसेस ऐसे भी आए हैं जिनमें कि ये खिलाते ही साथ असर करना शुरू कर दिया जिसने। तो
इसको एक बार आजमाएं और मुझे बताइएगा कि आपके लिए इसने कितना जल्दी असर करना शुरू किया, क्योंकि ये जो मंत्र है ये पहले ही दिन से असर दिखाना शुरू कर देता है। तो एक महीने के भीतर भीतर बिल्कुल ये परफेक्टली लग जाता है और चिरकाल के लिए किसी को भी आपके लिए वशीभूत कर देता है। चलिए मंत्र मैं आपको बता देता हूँ। मंत्र है, गौर से सुनिएगा, ओम भगवती भगवगदायिनी देवदंती मम वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। तो मंत्र एक बार फिर से, ओम भगवती भगभागदायिनी देवदंती मम वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र का आपने गुम्फन करना है 1008 की संख्या में। कोई भी नमक ले लीजिए, चाहे वो पिसा हुआ हो या फिर अगर आप जो सॉलिड नमक आता है, जिसे पत्थर जैसा जो नमक होता है उस पर इसको किया जाता था, तो आप भी प्राचीन काल की जो विधियाँ थी उसी अनुसार कीजिएगा। पिसा हुआ सॉल्ट मत लीजिएगा। जो सेंधा नमक आता है जिसे पिंक सॉल्ट कहते हैं, बड़े बड़े पत्थर मिलते हैं जिसके, आपने बाज़ार में देखा होगा, कई बार खड़े रहते हैं, तो आप वहाँ से एक डली ले आइए और उस डली पर जो है इसको अभिमंत्रित कर दीजिए। अभिमंत्रित करने की विधि बहुत ही सिंपल है। इसको अपनी हथेली में रखिए और 1008 की संख्या में इसका जाप कीजिएगा। जाप करने से ये जो है सिद्ध हो जाएगा, तो जो भी आपका मंत्र होगा वो उसमें इन्फ्यूज़ हो जाएगा। और इसके बाद आपको ये जो नमक है ये किसी भी खाने की चीज़ में मिलाकर दे देना है, या फिर किसी भी तरीके से आपको अपने साध्य को ये नमक खिला देना है। ऐसा करने से जो सामने वाला व्यक्ति होगा वो जन्म जन्मांतर तक आपसे वशीभूत रहेगा। ऐसे बहुत से प्रोसेस मैंने कराए हैं और बहुत से ऐसे रिज़ल्ट मैंने देखे हैं जो कि एक ही दिन में असर दिखा देते हैं। और ये जो मंत्र है ये बड़ा ही चमत्कारी है, पहले ही दिन से आपको असर दिखाना शुरू कर देगा। और ये इतना सिंपल है कि इसको कोई भी कर सकता है। कई मंत्र ऐसे भी होते हैं जिनको रटना पड़ता है और वो बहुत बड़े होते हैं, लेकिन ये मंत्र बहुत ही छोटा है और बहुत असरकारक है। मंत्र देखिए, ओम भगवती भग भागदायिनी देवदंती मम वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। बहुत ही सिंपल, बहुत ही सरल, इसे कोई भी कर सकता है। कुछ सावधानियां हैं जो आपको ध्यान रखनी है कि जिस भी व्यक्ति को आप ये नमक खिलाएं उसको सिर्फ एक महीने में एक बार खिलाना है। मान लीजिए आज जो आपकी 5-6 तारीख हो, 7 तारीख हो, 10 तारीख हो, आपने खिला दिया, तो इसी तारीख के अगली बार आने तक, अगले महीने की यही तारीख जब तक ना आ जाए तब तक दूसरा प्रयोग नहीं करना है। आपको पहले एक महीने तक वेट करना है, उसके बाद आपको अगर असर नहीं दिखता है तो दूसरा प्रयोग करना है। कभी भी एक नमक की जो डली है उसको दो बार नहीं खिलाना है। ऐसा करने से इसका जो असर है वो विफल हो जाता है। तो जब भी कभी प्रयोग करें तो इतना नमक इन्फ्यूज़ करें कि उसे एक बार में आप खिला सकें। कभी भी इस प्रयोग को दो बार नहीं करना होता। दो बार करने से जो भी आपने किया कराया है वो सब कुछ विफल हो जाएगा। और इस प्रयोग में जब आपको असर दिखना शुरू हो जाए तो आपको एक हफ्ते तक वेट करना है। जैसे जैसे इसकी तीव्रता बढ़ेगी आप महसूस कर पाएंगे कि जो भी आपने क्रिया की थी वो वाकई काम करती है। और एक हफ्ते, दो हफ्ते के बाद आपको पूर्ण विश्वास हो जाएगा कि हाँ, ऐसा भी तंत्र होता है जो कि किसी को आपके वशीभूत कर सकता है। और जब ये सब आप अपनी आँखों से देखेंगे तब आप विश्वास करेंगे। तो एक बार इसको ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि इस क्रिया ने आपके लिए किस तरह से काम किया और कितनी शीघ्र अतिशीघ्र आपका जो साध्य था वो आपसे वशीभूत हो गया। मेरे पास काफ़ी क्वेरीज आते हैं जिसमें कि लोग कहते हैं कि गुरुजी पहले ही दिन से काम होना शुरू हो गया, एक महीना हो गया काम नहीं हुआ। तो जैसी आपकी भावना रहेगी इस क्रिया को करने में,
ठीक उसी प्रकार आपको इसका असर दिखेगा। अगर आपको असर पहले दिन से दिख जाता है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं दिखे तो इसमें लगे रहिएगा, एक ना एक दिन आपको इसका चमत्कार अवश्य देखने को मिलेगा। कोई त्रुटि हुई हो, कुछ पूछना हो तो आप व्हाट्सएप कर सकते हो 9992841625 पर। धन्यवाद। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा।